इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रात के 10 बज चुके हैं और रात 10 बजे की सबसे दमदार तस्वीर लोकसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर, और सबसे दमदार तस्वीर और सबसे बड़ी खबर एग्जिट पोल को लेकर यह है कि कमोबेश हर एग्जिट पोल ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी हो रही है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे दमदार तस्वीर, एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। हालांकि असल नतीजे 23 तारीख को आएंगे और हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है कि जो हमारा एग्जिट पोल है उसी एग्जिट पोल के मुताबिक 23 तारीख को भी नतीजे आएंगे। एनडीए को 287 सीटें मिलने का अनुमान, एग्जिट पोल में यूपीए को 128 सीट। इस वक्त की रात 10 बजे की सबसे दमदार तस्वीर लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर एग्जिट पोल हमने दिखा दिया है और उस एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से उम्मीदवार भी। हर्षवर्धन जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सारे दल एक साथ आए थे ये सोचकर कि प्रधानमंत्री मोदी को पॉलिटिकली उन्हें डिमोलिश किया जाएगा, उन्हें बाहर किया जाएगा, लेकिन ये प्रयोग जो 2019 में हुआ था वो असफल हो गया। देखिए, मैंने पूरे चुनाव के दौरान कंसिस्टेंटली ये बात कही है कि देश की जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा उत्सुक नजर आती थी मुझको प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, मैंने दिल्ली बीजेपी के अंदर सारे मीडिया के सामने काफी दिन पहले कहा था कि इस चुनाव के बाद महागठबंधन करना जो है लोग भूल जाएंगे, लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो सत्य है उसकी जो ताकत है वो अनबीटेबल है। और इसमें कोई, मैं समझता हूं ये निर्विवाद सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए 5 साल बहुत मेहनत, बहुत कर्मठता, बहुत ईमानदारी और बहुत विजन के साथ देश के सब वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास के अपने मंत्र को फॉलो करते हुए और सारे देश के सब हिस्सों के लिए बहुत गहराई से काम किया है, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उनको गहराई से इम्प्लीमेंट किया है और हर योजना के करोड़ों लाभार्थी हैं। हर प्रोजेक्ट जो है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से जो है एक प्रकार से अलमारी के अंदर पड़े हुए थे, धूल उनके ऊपर जमी हुई थी, उनको भी निकाल के उन्होंने इस 5 साल में क्रियान्वित किया है। सारे भारत का, सारी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है, दर्जन से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड स्वयं उन्होंने भारत के लिए लिए हैं, 4-4 मुस्लिम देशों ने उनको अवार्ड दिया है। एक इकोनॉमी जो विच रिफ्यूज टू ग्रो, उस इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहां से कहां देश को पहुंचा दिया है, इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, ये सारे लोगों ने महसूस किया है। इसलिए ना तो कोई गठबंधन चला, ना कोई झूठ चला, ना कोई बहकाने का काम चला। एक तस्वीर है हर्षवर्धन जी, जो एक तस्वीर है, 2014 में जो एनडीए का आंकड़ा था वो 336 था, अभी जो एग्जिट पोल हमने दिखाया है उसमें 287 सीटें हम दे रहे हैं, तो करीब 50 सीटों का नुकसान तो एनडीए को हो रहा है। तो ये जो सारे दल एक साथ आ गए, जो गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अलग अलग जगहों से आपने सोची, वो भरपाई उतनी नहीं हो पाई, तो क्या आप मानते हैं कि सभी जो दल एक साथ आ गए उसकी वजह से आपको इतनी सीटों का नुकसान? आप बुरा मत मानिएगा, मैंने लगातार ये कहा है कि हमारी जो जीत की क्वालिटी है 2019 में, वो 14 से बेहतर होगी, फार मोर इम्प्रेसिव होगी, फार मोर कन्विंसिंग होगी। इसलिए अभी तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, आप 297 दे रहे हैं, कोई लोग 365 भी दे रहे हैं, कोई लोग 340 भी दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होगी? फाइनल तस्वीर आपके हिसाब से हर्षवर्धन जी क्या होगा? 14 से हर तरीके से नतीजे बेहतर हों? नहीं, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 2014 से 2019 फार बेटर होगा हर तरीके से, इतना मैं कह सकता हूं। अब कोई, मैं कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर या कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मैं एग्जैक्ट सीटें या ना मैंने कोई जाके सर्वे किया, लेकिन जो जमीन पे देखा उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2014 से हर तरीके से बेहतर प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हर्षवर्धन जी, विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुद्दों से भाग रहे हैं, राष्ट्रवाद को आगे कर रहे हैं, जीएसटी की बातचीत नहीं कर रहे, नोटबंदी की बातचीत नहीं कर रहे, तो जो नतीजे आ रहे हैं, माना यह जाए कि विपक्ष की इन तमाम बातों को, इन तमाम तर्कों को जनता ने नकार दिया? कोई, मैं समझता हूं ऐसा विषय नहीं है
जिस विषय के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ना तो जिसे कहते हैं कि लगातार उन्होंने काम भी किया है, हर मुद्दे की उन्होंने पूरे देश से लगातार चर्चा की है। शायद एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर मिनट की अपनी गतिविधि को लोगों के साथ देश के शेयर किया है, इसलिए इस तरह की तो बात कहना जो है मैं समझता हूं बिल्कुल बेमाने है। हर एक काम जो उन्होंने किया उसकी पर्याप्त चर्चा की है, पर्याप्त उसकी मॉनिटरिंग की है और बहुत ही क्वालिटी रिजल्ट्स हर एक विषय पे दिए हैं उन्होंने। कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ममता बनर्जी ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि ईवीएम को लेकर अलग अलग चैनलों पर गॉसिप चल रही है, इन गॉसिप को सुनना बंद करिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टीवी बंद करने का वक्त आ गया है। आपकी प्रतिक्रिया? अब देखिए इस तरह के जो कमेंट्स हैं इनके ऊपर थोड़ा हंसी भी आती है, लेकिन इतने सीनियर नेताओं ने दिया है तो थोड़ा सा हंसने में संकोच भी होता है। 23 तारीख तक जो भी जो कोई बयान दे रहा है देने दीजिए, लेकिन 23 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद सबके जो ये इस तरह के जो बेसिर पैर के बयान है ये सब बंद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। राहुल जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर उनकी माताजी और वो स्वयं अगर बाई चांस अगर जीत जाते हैं 2-3 जगह जहां वो चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं तो तब भी वहां की ईवीएम भी खराब बताएंगे क्या? राहुल गांधी लगातार एक नारा बुलंद करते रहे हर्षवर्धन जी, राफेल को लेकर उन्होंने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने माफी मांगी, चौकीदार चोर है, हर बार हर रैली में उन्होंने नारा लगाया, हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया कि ये नारा वो उन्होंने नहीं दिया, जनता ने दिया, और वो कह रहे थे कि चौकीदार और जनता से नारा लगवा रहे थे कि चोर है। तो आप मानते हैं कि इस नारे की भी हवा निकल जाएगी, पूरी तरीके से जनता खारिज कर देगी जो एक कैंपेन कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाया गया, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही असर नतीजे आते हैं तो? देखिए इस नारे की हवा तो उस दिन निकल गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश के लोगों से अपील की कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, देश में इनसैनिटरी कंडीशंस के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मेरी तरह चौकीदार बन जाइए, और पूरी रातों रात करोड़ों लोगों ने अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। तो इस नारे की तो हवा उसी दिन निकल गई थी, उसको तो निकलने के लिए अब कोई समय नहीं बचा है। अच्छा एक बात, बार बार चूंकि जो चर्चा हुई, आपका घोषणा पत्र जो कि संकल्प पत्र के तौर पर आता है उसमें जो पहला चैप्टर था वो पहला चैप्टर राष्ट्र सर्वप्रथम था, राष्ट्रवाद की बात सबसे ज्यादा की गई, तो आपके हिसाब से काम क्या आया, सबसे बड़ी वजह इस जीत की क्या बनेगी अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं, राष्ट्रवाद या फिर खाता खुलवाना या फिर तमाम जो उपलब्धियों का जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, वजह क्या रही? देखिए खाता खुलवाना एक गरीब आदमी का जो 70 साल से वंचित था, इस खाते से भी बेसिक चीज से भी डिप्राइव्ड था, वो भी राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, सूचक है। जो भी देश के लिए अच्छा काम किया जाता है, जो भी देश के लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया जाता है, वो सब राष्ट्रवाद के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। मुझे पता नहीं कि राष्ट्रवाद की आपकी क्या अलग से कोई डेफिनेशन है। जो भी अच्छा काम है इंसानियत के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, वो सब हमारे हिसाब से राष्ट्रवाद की डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा क्या आप मानते हैं कि तमाम, चूंकि जो कई पॉलिटिकल पंडित या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष में कोई उस तरीके का बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया, कोई कद्दावर विकल्प नहीं मिला, तो क्या नाकाबिल विकल्प, एक मजबूत विकल्प जो कि सर्वमान्य नेता हो विपक्ष का, उसका ना होना भी इस जीत की एक बड़ी वजह बनेगा? देखिए किसी दूसरे नेता को कोई मैं नाकाबिल कहूं ये मैं उचित नहीं समझता, ना वो मैं, इसीलिए मैंने सर्वमान्य जोड़ा था हर्षवर्धन जी। मैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो क्षेत्रीय बहुत 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 देखिए देश के लोगों ने देख लिया कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के लोगों के सपनों का प्रतीक बने थे, ही बिकेम ए सिंबल ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ एवरी इंडियन, और उन्होंने जो
जिस तरह के सपने लोगों ने देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने देखा कि एक नेतृत्व भारत में ऐसा आया जिसने बहुत गहराई और सच्चाई और मेहनत और ईमानदारी और सात्विक भाव से काम किया, तो उसके खिलाफ सारे लोग जो है देश में इसलिए इकट्ठा हो गए कि उसने अच्छा काम किया। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने जो है उसके उनके उनके जो नेतृत्व को उसको एक पॉजिटिव सपोर्ट भी किया, और जो दूसरे लोगों की जो नकारात्मक जो तरीके थे उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने रिजेक्ट किया। अच्छा, जीएसटी नोटबंदी ये मानकर चले कि जनता ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया कि यह सही फैसला था और विपक्ष भी शायद इस मुद्दे को छोड़ देगा इन नतीजों के बाद? देखिए, नोटबंदी आपने देखा कि पूरा भारत जो है वो नोटबंदी के इश्यू पर देश के अंदर लाइनों में लगा, कई कई घंटे लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, लेकिन भारत में एक भी व्यक्ति ने उफ नहीं किया, क्योंकि लोगों को कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत पर कभी भी शक नहीं हुआ। लोगों को लगता था कि ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो भारत के उत्थान के लिए कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जीएसटी के बारे में भी जो व्यापारी थे उन्होंने ये समझा, जब प्रधानमंत्री जी ने लगातार व्यापारियों की बात सुनकर जीएसटी में इतने अमेंडमेंट्स किए, आज जो है मैं समझता हूं लाखों की तादाद में जो है व्यापारी जो है वो जीएसटी के नेट में आए हैं। तो वो इसलिए आए कि लोगों ने स्वीकार किया कि जीएसटी भारत के हित में है, व्यापारियों के अल्टीमेट हित में है, इसलिए लोगों ने जीएसटी को भी स्वीकार किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को इस विषय पर। जी हर्षवर्धन जी एक सवाल और एक आखिरी सवाल और आपसे कि एक तो पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई है, इसके बावजूद बीजेपी को गेन हो रहा है, तो क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी जमीन खिसक रही है? एक तो ये और दूसरा ये, आप दोनों सवाल एक साथ हैं कि लगातार 2014 के बाद ये कहा गया कि उस समय तो मोदी लहर थी, मोदी के नाम पर अब चुनाव हो रहा है तो ये रेफरेंडम भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होगा, और इसके बाद विपक्ष ये कहने की स्थिति में नहीं होगा कि अब 2014 में लहर के नाम पर जीत गए, काम के नाम पर नहीं जीते थे, अब तो काम के नाम पर जीतेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा या कोई चीज कहने की होती है किसी के कहीं बनाने से या मैन्युफैक्चर करने से, आपके या मेरे कहने से नहीं होता, मुद्दा तो वो होता है जो लोग महसूस करते हैं। बंगाल के अंदर लोगों ने महसूस किया कि बंगाल की जो धरती है वो देशभक्तों की, क्रांतिकारियों की, वैज्ञानिकों की धरती है, उसको ममता बनर्जी ने अपने शासन काल में एक प्रकार से गुंडागर्दी के शासन के अंदर परिवर्तित कर दिया, पैसा वसूली के शासन में परिवर्तित कर दिया, उसके अंदर तुष्टीकरण होता रहा, हिंदुओं का अपमान होता रहा, दुर्गा पूजा के लिए जो है स्वीकृति लेने के लिए लोगों को अपमानित किया जाने लगा। तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आखिर जो है बंगाल की जो धरती है उसकी जो इनहेरेंट जो ताकत है, वहां से जो प्रेरणा मिलती है, वो हमारे जो सारी इस धरती की पवित्रता है उसको जो है डैमेज किया जा रहा है। और मैं समझता हूं उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, देश के क्रांतिकारियों से बड़ा कोई नहीं है, और उसको अक्षुण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा व्यापक समर्थन वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगा। ठीक है, हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए थे।